नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं राजमोहन तिवारी। 21 अक्टूबर को बिहार में हो रहे उपचुनाव को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम विधानसभा उपचुनाव के नाथनगर विधानसभा की बात करेंगे, जो कि जेडीयू विधायक अजय मंडल के सांसद बनने के कारण खाली हुई है। एनडीए गठबंधन में इस सीट को लेकर कोई पेंच नहीं था, इसलिए इस सीट से जनता दल यूनाइटेड ने जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत मंडल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन 2020 विधानसभा की तैयारी करने के बजाय उपचुनाव में सीट बंटवारे और एकतरफा फैसले को लेकर एक बार फिर से पूरी तरह बिखर चुकी है। जहां आरजेडी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी नाथनगर से अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। और महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी हम के समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने नाथनगर से रुबिया खातून को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि आरजेडी की अल्पसंख्यक समाज की नेता हैं। अब जाहिर है, जब दो दल एक ही गठबंधन के आपस में भिड़ेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा और उनकी विपक्ष की स्थिति मजबूत ही होगी। और यही वजह है कि एनडीए यहां फिलहाल मजबूत दिख रहा है। अगर पहले के चुनाव की बात करें तो 2005 से ये सीट जेडीयू के पास है। उससे पहले सन 2000 में ये सीट समता पार्टी की सुधा श्रीवास्तव ने जीती थी और 2003 में जेडीयू के गठन और समता पार्टी के जेडीयू में विलय के बाद सन 2005 में वे फिर जेडीयू से नाथनगर की विधायक चुन के आईं। 2010 में अजय मंडल जेडीयू के उम्मीदवार बने और उन्होंने आरजेडी के अबू कैसर को 4,727 वोटों से हराया। 2015 के विधानसभा चुनाव आते आते नाथनगर का गणित बिल्कुल बदल चुका था। अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी और वह अपने दूर विरोधी आरजेडी के साथ एक नया गठबंधन बना चुकी थी, जिसने महागठबंधन की शक्ल ली। और 2014 लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ आई एनडीए गठबंधन के खिलाफ दो क्षेत्रीय दलों के मिलकर लड़ने का पहला प्रयोग था, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। इस चुनाव में इस सीट से अजय मंडल ही महागठबंधन और जेडीयू के उम्मीदवार बने और इन्होंने एनडीए के लोजपा प्रत्याशी अमर कुशवाहा को 7,825 वोटों से हराया। अब चूंकि जेडीयू 2017 में एनडीए में फिर से वापस आ चुकी है और जेडीयू लोजपा और बीजेपी फिर से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तथा विपक्ष के महागठबंधन के बिखरने के कारण वोटों का बंटवारा होने की उम्मीद से यह कहा जा सकता है कि एनडीए इस पर बढ़त बनाता दिख रहा है, खासकर हम दल के द्वारा चुनाव में उम्मीदवार उतार देने के बाद। नामांकन वापस की तारीख खत्म होने से पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद इनमें से कोई मान जाए और नाम वापस ले ले, परंतु आखिरी तारीख 3 अक्टूबर बीत चुकी है और दोनों में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया और अब चुनाव प्रचार में इनके बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। रविवार को मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने नाथनगर विधानसभा के जगदीशपुर क्षेत्र में राजद पर जमकर हमला बोलते हुए राजद को धोखेबाज भी कहा। और सोमवार को बहरपुरा में अपने पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आए पूर्व सीएम एवं हम दल के प्रमुख जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि राजद के द्वारा खड़ा किया उम्मीदवार महागठबंधन का नहीं, बल्कि उनके पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार राय ही महागठबंधन के असली उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन के अन्य दल उनके उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे महागठबंधन का उम्मीदवार समझ वोट दे। लेकिन मिल रहे खबरों के अनुसार यहाँ की लड़ाई जदयू और राजद के बीच है, जिसमें जदयू के उम्मीदवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। आप देख रहे थे बिहारी न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।